My name is Meenu Vikas and welcome to Meenu Vlog. Today I am going to make a sketch of a girl with a umbrella. So let's begin. तो पहले तो हम लोग कैमरा सेट कर देंगे. चलो. एक्चुअली में वो जो वाइट पेपर्स हैं वो काफ़ी ख़त्म हुए हुए हैं, तो हम लोग मैंने मतलब प्लान किया कि एक अच्छे टेक्सचर वाला पेपर यूज़ करेंगे, पर उससे प्रैक्टिस ही करनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मेरा जो है अच्छे टेक्सचर वाला वो मैं आपको दिखाती हूँ और कैमरा सेट करती हूँ. सो यहाँ पे कैमरा वगैरह सब कुछ सेट हो गया है, ऑल सेट. तो ये जो पेपर है ये इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, तो इसको यूज़ करेंगे और इसमें लाइंस भी काफ़ी नीटली तरीके से हुई है. तो एक प्यारा सा पेज निकालती हूँ. ये मैं अपने रफ वर्क के लिए यूज़ करती हूँ, इतना प्यारा रजिस्टर है और मैं इसे रफ वर्क के लिए यूज़ करती हूँ. तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए इसके ऊपर करेंगे. सो लेट्स गो. आप लोग नॉर्मल पेंसिल लो, मैं भी नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ. तो मैं आपको इसको, ये 2B पेंसिल है, गोल्ड फिश की, आप कुछ भी यूज़ कर लो. तो अभी यहाँ पे शार्पनर वगैरह पकड़ते हैं. मैं आपको अपनी शार्पनर वाली बॉक्स है तो इसको, तो ये है इसमें शार्पनर. तो शार्पनर निकाल के एक पेन की अच्छी लेड बनाते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे. तो स्केचिंग करते हुए जो बेसिक टूल्स चाहिए ना वो सिर्फ ना काफ़ी सिंपल है, जैसे कुछ अच्छी पेंसिल और एक वाइट पेपर या कोई भी पेपर. तो लेट्स स्टार्ट. तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने अच्छा खासा अपनी पेंसिल का लेड बना लिया और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप. सो या तो जल्दी से ना पहले एक दफा वीडियो को देख लेते हैं कि हमें आइडिया हो गया और ऐड आ गया. तो इसको करते हैं ओपन कर लूँ क्योंकि बंद हो गया और जैसे मोबाइल पड़ा हुआ है ना, अभी ये वाला मेरा जिससे वीडियो बंद रहा है वो बहुत गलत तरीके से पड़ा हुआ है, मुझे बस डर भी बहुत लग रहा है. तो जो पहला स्टेप है उसको करके दिखाती हूँ. एकदम सिक्योरिटी उसका मेरा मार है, एक दफा तो मेरे हाथ में भी लगा है अभी. तो अभी मैं नॉर्मल टेप से मार रही हूँ, सही है वैसे टेप. अच्छा तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो है ऐसे कि आई एम श्योर कि आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हुआ. तो नॉर्मली अपना एक सर्कल बनाना है, अभी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं काफ़ी लाइट लाइट पहले बना रही हूँ. पहले मैं देख लूँ ना शेप बन भी रही है सही नहीं देखा ना, तो बहुत रेस करना पड़ रहा है. तो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ. वेट, आपने पहले लाइट से शुरू करना है और फिर बाद में डार्कर पर जाना है. देखो अभी मैंने एक बेसिक शेप ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसको रिफाइन करेंगे और अभी आपको नज़र आएगा फिर करना पड़ेगा. तो देखो अभी डिटेलिंग में इसको प्यारा प्यारा सा करती हूँ. तो आपने गलती से भी इसमें पॉइंटर वगैरह यूज़ नहीं करना है क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता जब वो पॉइंटर यूज़ हो जाता है. जो स्केचिंग है वो स्केचिंग ही रहेगी. तो ये सेम बिल्कुल यही वाली ड्राइंग मैंने एक दफ़ा बनाई थी जो मेरे भाई ने ख़राब कर दी थी क्योंकि वो काफ़ी छोटा था. तो अभी दोबारा से बना रही हूँ. उसके बाद शायद 2-3 साल गुजर गए हैं तो तब ट्राई नहीं किया, पर सोचा हुआ था और कभी भूल ही नहीं क्योंकि सोचा हुआ था और इसको डाउनलोड किया हुआ था कि इसको कभी बनाना है. तो इसलिए बस मैंने आज सोचा कि आप लोगों के साथ मिलकर ये बनाती हूँ. तो यहाँ पर हमने डी ड्रॉ कर लिया कह लो आप लोग. तो मैं आपको लाइंस में बता देती हूँ, मेरा 1, 2, 3, 4 लाइंस में ये डी आया है. तब इसको रिफाइन करते हैं क्योंकि नीचे से इसका इतना बेसिक नहीं डिज़ाइन रखेंगे, तो इसका एकदम प्यारा प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाते हैं. पहले हम लोग एक बेसिक शेप से ड्राइंग कर रहे हैं, जिससे कि अभी बेसिक शेप है हमारी डी. पहले डी थी और अब वी है, उल्टा वी. तो अभी उल्टे उल्टे वी बना रहे हैं बड़े छोटे और इसको कर रहे हैं डिफाइन. अगर हम बेसिक शेप्स में ड्राइंग को डिवाइड करके बनाएं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है. अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा पर फाइनल लुक अच्छी लगेगी. तो इसके ऊपर हल्का सा ये ऊपर ऊपर बना देंगे ऐसे, इसका हल्का सा छोटा सा. अब मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखाती हूँ.
ये देखो अब आगे बनाते हैं, ये छोटा सा वी बनाया है, ये पहले डी बनाया था, फिर बड़े छोटे वी, और इसके बाद एक छोटा सा उल्टा वी, ये उल्टे वी और ये भी उल्टा वी। अब नेक्स्ट स्टेप देख के नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको, आपको चेंज लगेगा क्योंकि मैंने रिफाइन करने के लिए शेप को, नीचे वाली शेप को हल्का फुल्का चेंज किया है, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम लड़की ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले तो आपको क्या करना है कि एक टेढ़ी सी डंडी निकालनी है इसकी, ऐसे शो करवाना है कि ये अम्ब्रेला थोड़ा टेढ़ा सा है, सही है? तो नीचे से लड़की को बनाते हैं, तो अभी तो उसका बाल बना रहे हैं इसके, मैं आपको बनाने के बाद रिफाइन करते हुए दिखाऊंगी। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल रही थी कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ एंगल चेंज करके। तो ये अम्ब्रेला की डंडी निकालनी है, उसके बाद हमने नीचे क्या करना है, एक मिनट, थोड़ा ऐसे ऐसे करके एक बालों की शेप बनानी है, और फिर देन कपड़ों की, और एक कपड़े कैसे बनाने हैं कि यहाँ से निकालना है, और फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन, और फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन, उसके बाद नीचे भी एक ऐसी लाइन। तो अब आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, चलो। तो अब यहाँ पे वीडियो बंद ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन जो हमने लगाई है उसके ऊपर भी एक लाइन लगाएंगे कुछ इस टाइप का। अब हम उसका फाइनल फ्रॉक सा बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका एक लाइन ऐसे, और फिर एक लाइन ऐसे। तो यू कैन सी हियर कि हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी है, सीधी सीधी है, तो सिंपल सा था। अब इसको नीचे से सीधी लाइन पहले लगा ले, नहीं सीधी सॉरी, अच्छा यहाँ पे एक लाइन लगानी है, और फिर ऐसे करके, और फिर यहाँ पे एक लाइन, सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरी दादी आई थी, वो दरअसल मैंने उनका मोबाइल लिया हुआ है, तो वो पूछ रही थी कि तुम्हारे पास है, मैंने कहा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो एक और ऐसे लाइन, और एक और यहाँ पर एक लाइन, बिल्कुल सेम। और अब यहाँ पे लेयर्स टाइप बनानी है, तो वहाँ पे अब हम बनाएंगे फुट, आई मीन उसकी लेयर और सब कुछ। अब इसको और रिफाइन करेंगे, आप फिक्र ना करना क्योंकि अभी थोड़ी बहुत गंदी सी लग रही है। मैं आपको ज़रा पास से दिखाती हूँ क्या किया है, कि यहाँ पे एक सीधी लाइन, सीधी नहीं थोड़ी सी टेढ़ी मटेढ़ी, क्योंकि टांगे थोड़ी ऐसी होती हैं, और फिर एक लाइन, और फिर एक लाइन। तो आगे अब इसके फुट वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जुगाड़ किया हुआ है उसके अंदर लगा दिया मेरे मोबाइल को, और फट हो गया मैं भी। तो अभी मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा फिर से। चलो, तो यहाँ पे देख रही थी मैं, अब उसके पैर बनाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो हम हील बना रहे हैं, तो वो थोड़ा इजी है। इसको कुछ इस टाइप से कर्व, और फिर कुछ इस टाइप से कर्व, फिर एक प्रॉपर हील, और ये वाली छोटी सी हील है, मतलब नजर नहीं आ रही, आधी हील आ रही है। तो इसको ऐसे सबसे डेडिकेटेड जो काम था ना, वो फुट का था, और वो सही नहीं बने मेरे ख्याल से, वो आपको सही से नजर नहीं आया, ये मैंने हील से ही बनाई है। अच्छा, तो अब उसको रिफाइन कर रहा है वो भी, और मैं भी यहाँ पे। तो ऐसे हल्की हल्की शेडिंग सी डाल रही हूँ, तो मैं इसमें शेडिंग वगैरह करने के बाद आपसे मिलती हूँ। काफ़ी रिफाइन किया है और काफ़ी मेहनत के बाद ये है हमारा काम। वैसे मैंने काफ़ी देर बाद किया, तो इस पर करते हैं अपना साइन। तो ये था हमारा वर्क,
काफ़ी अच्छा था। और अभी ना मुझे बालों में लग रहा है कि हल्का फुल्का रिफाइन करने की ज़रूरत है। खैर बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत ही मज़ा आया इसको करने का। पर एंड पे आप लोग याद रखना कि एंड में हल्का हल्का इसको फ्लोर वाली तरीके से ज़रा करना कि ऐसे लग रहा है कि वो कहीं पे रोड पे या कहीं पे चल रही है, सही है। और यहाँ पे काफ़ी डार्कन शेड्स देना काफ़ी अच्छा काम करना, तो फिर आपकी अच्छी बनेगी। और अगर आप इसको वाइट पेपर पर ट्राई करोगे तो भाई ये बहुत अच्छी लगेगी। और है अब मैं अपना वाइट पेपर भी किसी दिन मंगवाऊँगी, दो तीन दिन बाद या फिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।